Yeah! बिसम असल वेलकम टू बाइक मेट फीके जर्मैन कैफे रेसर सीरीज़ का थर्ड पार्ट है ये और इसमें जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने लाइट्स के बारे में बताया था आपको कि नेक्स्ट एपिसोड हम लाइट्स पे करेंगे जो हेड लाइट्स हैं और दीगर जो मज़ीद इंडिकेटर्स वगैरह हैं ब्रेक लाइट्स हैं उसमें फैंसी लाइट्स भी हैं वो भी हम देखेंगे तो ये स्पेसिफिकली कैफे रेसर पर भी लग सकता है और इंडिविजुअली अगर आप लगाना चाहते हैं हेडलाइट चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी इट्स टोटली अप टू यू आप प्रोजेक्ट बाइक के साथ लगाना चाहते हैं या अपने किसी भी वन टू फाइव के साथ या वाई बी आर के साथ या सी बी वन फिफ्टी एफ जिसके साथ भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं इट्स ओके इट्स टोटली अप टू यू तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली वीडियो अपना पहला आइटम वीडियो का वो है ये लाइट है हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा कि इन लाइट्स में बेसिकली एक स्टिकर भी मिलते हैं स्टिकर लगा दिए जाते हैं वो सामने फेक पता चल रहे होते हैं कि यार ये फेक है ये राउंड लाइट है और इसकी थ्रो भी बहुत ज़बरदस्त है इसमें एक और अच्छी बात ये है कि आप इसकी जो हमने लास्ट एक वीडियो देखी थी बनाई थी उसमें हमने आपको जो लाइट बताई थी साथ मैंने आपको बताया था और मैंने थ्रो नहीं दिखाई थी उसकी आपको उसका उसकी वजह यह थी कि उसमें आप अपनी मर्ज़ी एलई डी डाल सकते हैं एच डाल सकते हैं जो भी कर सकते हैं यह ऑलरेडी एलईडी के साथ आती है और इसमें छः एल ऑलरेडी मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छी आपको एक बीम देती हैं और क्लियर रोड विजिबिलिटी होती है ये मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा देता हूँ क्लोजअप में दिखाने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँ वैसे तो ये अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ट्वेंटी टू हंड्रेड रुपीज़ की आ, सेल होगी लेकिन फॉर यू इट इज़ नाइनटीन हंड्रेड रुपीज़ आप ऑर्डर करते हैं तो आपको उन्नीस सौ रुपये में ये अवेलेबल हो जाएगी अब मैं आपको इसे क्लोज़अप में भी दिखा देता हूँ कि हाउ आसम इट लुक्स सो so, नाजरीन जैसा कि आप देख सकते हैं सिक्स एल हैं एंड ये ग्रिल लगी हुई है मेटल की ग्रिल है इसका जो बैक कवर है ये भी मेड ऑफ मेटल है मेटल का है प्लास्टिक मटेरियल नहीं है ये एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड आसम तो ये मैं अभी आपको इसका थ्रो भी दिखाता हूँ कि हाउ डज इट एक्चुअली लुक्स जब ये थ्रो देता है तो कितनी पावरफुल थ्रो है इसकी सो so, नाजरीन आप इसका थ्रो देख सकते हैं फोकस थ्रो है ये और इस वक्त बहुत बहुत तेज इसका थ्रो है ये आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रांग बीम है इसकी और इसमें आपको डिम लाइट भी मिल जाती है तो इसकी प्राइस अगेन 1900 हंड्रेड है सो so, जो नेक्स्ट आइटम है वो भी हेडलाइट रिलेटेड ही है ये थोड़ा सा एक इंच बड़े साइज में हमारे पास आ जाती है और ये भी मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ इतने दूर से शायद आपको नज़र ना आए इसका भी थ्रो बहुत अच्छा है लेकिन ये एल वाली नहीं है इसलिए मैं आपको थ्रो नहीं दिखाऊँगा इसका इसका नॉर्मल सा बल्ब है इसके अंदर लेकिन आप अपनी मर्जी की एच आई डी जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं इसमें प्राइस है इसकी साढ़े बारह सौ रुपये और ये लगी हुई भी, भी बहुत अच्छी लगेगी एक पुरानी रेट्रो किस्म की लुक आएगी क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइट है मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा देता हूँ सो ये आप क्लोजअप में देख सकते हैं अगर आपको ये धुंधला धुंधला तो ये इसके ऊपर शीट लगी हुई है जिसके आ, प्रोटेक्टिव शीट है इसकी आ, ये शायद आपको नजर आ रही हो उस वक्त तो इसकी वजह से आपको धुंधला नजर आ रहा होगा अदरवाइज इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर और बहुत उमदा लाइट है ये इसकी इसकी जो आ, इसका बैक कवर है मेड मेरा प्लास्टिक है और यस आगे इसमें जो इस वक्त ट्यूब यूज़ हुई है यह आप अपनी मर्जी की भी लगा सकते हैं या यही रहने दें एक नॉर्मल जैसे कि स्टॉक ट्यूब होती है वैसा ही काम करती है ये इसकी प्राइस है साढ़े बारह सौ रुपये और चूंकि ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है और बहुत उम्दा लगती है तो आई थिंक इट कैन बी योर चॉइस एज़ वेल ये आपकी चॉइस हो सकती है अपने बाइक के लिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की जानेब ये भी एक लाइट है ये एक्चुअली उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा बड़ी लाइट्स पसंद नहीं है कॉम्पैक्ट किस्म की लाइट चाहते हैं वो और ये एक्चुअली मेड ऑफ़ मेटल है इसका जो बैक कवर है वो भी मेड ऑफ़ मेटल है इसकी फ्रेम आगे भी मेटल की है और सरप्राइजिंगली uh, इसकी प्राइस जितना इसका साइज छोटा है उतनी ही छोटी प्राइस भी है इसकी uh, साढ़े आठ सौ रुपये में ये आपको अवेलेबल है अगेन लाइट uh, जो इसके अंदर यूज़ हुई है वो स्टॉक बल्ब है आप अपनी मर्जी का बल्ब इसमें यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा देता हूँ छोटी लाइट अक्सर मेरे पास एक वन टू फाइव हुआ करता था नाइनटीन नाइनटी फोर मॉडल था आई थिंक तो उसमें मैंने ये लाइट लगाई थी तो मुजफ्फरबाद में उस वक्त मैं जॉब करता था उस वक्त चला रहा था बाइक तो वहाँ पे चकोर लाइट्स ही चलती थी नॉर्मली तो वुड यू ट्रस्ट मी दैट द मोमेंट आई इंस्टॉल दैट लाइट जैसे ही मैंने वो लाइट ऑन की तो वो देखा देखी उसके क्योंकि वो बहुत उम्दा लग रहा था तो सब मेरे दोस्तों ने भी और फिर उनके दोस्तों ने देखा देखी वो वहाँ भी एक ट्रेंड चल पड़ा कि भाई गोल्ड लाइट लगाते हैं वन टू फाइव के साथ और उस तरह उसकी लुक्स ऑसम awesome हो जाती हैं। तो ये मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा देता हूं बहुत अच्छी लाइट है ये तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइट मेड ऑफ फ्रेम इसका जो फ्रेम है मेड ऑफ मेटल है और साइड भी इसका रिंग जो है मेटल का है और इट लुक्स ग्रेट इट लुक्स ऑसम अगर मेरी ऑप्शन होती अगर मैंने लगाना होता तो आई वुड प्रेफर दिस वन एक तो जेब पे भी हल्की और लगती भी बहुत ज़बरदस्त है तो आई वुड गो फॉर दिस वन बाकी आपकी मर्ज़ी आपने एल वाली लगानी है या वो बड़ी फ्रेम वाली लगानी है या ये छोटी छोटा uh, पैकेट बड़ा धमाका लगाना है इट्स टोटली अप टू यू ये आपकी लुक्स तक है कि आप कैसी लुक्स चाहते हैं बाइक की तो इसकी प्राइस है साढ़े आठ सौ रुपये और uh, जो नंबर जिस लिंक में मौजूद है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप उस लिंक पे जाइए और आप ये लाइट्स ऑर्डर कर सकते हैं उनको कॉल और व्हाट्सएप कीजिए